आज अचानक आँख खुल गई और मानो किसी का निर्देश हुआ कि कुछ बातें लिख लो, और बैठ गया लिखने। हम सभी प्रेम के ही प्रतिफल हैं, प्रेम ही हमारा स्वभाव है, प्रेम सिर्फ प्रेम। प्रेम कहीं बाहर से उधार या खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम निजी तौर पे अंदर और सबके अंदर विराजमान है, क्योंकि हम प्रेम ही हैं। बाबा के दरबार में हम लोगों का प्रणाम। ये वही स्थान है जब हम बहुत छोटे थे तो यहीं से हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और बाबा की दया से निरंतर उसी वर्षों से हम लोग सेवा में यहाँ आते हैं, और आप सबका आशीर्वाद प्यार मिलता है। संगीत हमारी पूजा है, हमारी आराधना है, और हम चाहते हैं कि इस आराधना में यहाँ बैठे सभी लोग सम्मिलित हो जाएं। आप अपना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हमें दें। धन्यवाद। संपत्ति सब दे सुख संपत्ति सब दे तू करी मकरता तू करी मकरता मेहर के नजर के। ये गुरुकुल हमारी एक स्वप्न था, एक स्वप्न था कि ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे हम अपने शिष्यों के साथ संगीत की साधना कर पाएँ, और चाहे वो रात 2 बजे भी हो और चाहे वो दिन का 4 बजे सुबह का भी हो, और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे या हमारे संगीत से और लोगों को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। और जब हम यहाँ आए थे, ये एक प्लॉट था, तो उस दिन फुल मून था और नीचे एक नदी बहती है। तो इस प्लॉट पे जब मैं खड़ा हुआ और देखा कि सामने इतना बड़ा चांद निकला हुआ है और नीचे नदी की आवाज़ आ रही है, तो हमने अपने मन में कहा कि भगवान यही जगह मुझे दिला दो। तो ये डिसाइड हुआ कि यहाँ हम लोग एक गुरुकुल बनाएं जहाँ विद्यार्थी भी आके रहें हमारे साथ में और संगीत की शिक्षा यहाँ चलती रहे। उसी के निमित्त और ईश्वर की कृपा से
इतना अच्छा ये वातावरण में ये गुरुकुल बन गया है कि यहाँ जब हम लोग आते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड घूमना होता है तो जाना ही पड़ता है। तो ये परिकल्पना भैया की थी, और इसमें एक भाव ये भी था कि पिताजी को हमारे बहुत पसंद था इस तरह का वातावरण हो, बगीचा हो, तो उस परिकल्पना को लेके ये गुरुकुल का निर्माण हुआ। हमारे पिताजी थे पंडित हनुमान मिश्रा जी, और बनारस में हम लोगों का जो पुस्तैनी मकान था, और उन दिनों में हमारे बचपन में इतना शोर शराबा भी नहीं था, तो वहाँ भी दिन भर रात भर गाना बजाना चलता रहता था। और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली रहे कि ऐसे पिता ऐसे गुरु हमें मिले जो कि एक एक क्षण को उन्होंने जीने का कला सिखाया, कैसे जिए, कैसे बड़ों का आदर करें, कैसे उठें, कैसे बैठें, प्रोग्राम में कैसे जाना है। तो ये बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दी, और वो बड़ा स्वर्णिम काल था। इस संगीत में ये गुरुमुखी विद्या, इसको माना गया है कि गुरु के आमने सामने बैठ के ये सीखा जाता है, तो उससे गुरु के एक्सप्रेशन, सुर कैसे लगता है, तो गुरु का एक्सप्रेशन जो है वो विद्यार्थी को देखने को मिलता है। वो कैसेट या सीडी से आपको वो एक्सप्रेशंस नहीं मिलते हैं, सुर कैसे लगा रहे हैं, उनका भाव क्या है, कैसे हाथ उठ रहा है, ये टोटल जो है एक साइंस है, फिजिक्स है। तो इसको देखने के लिए आपको गुरु के पास में आना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा, गुरु के विचारों को देखना पड़ेगा कि गुरु कैसे चिंतन कर रहा है, कार्यक्रम है तो उसका कैसा, सुबह से उनका कैसा मूड होना चाहिए, कैसे मूड में रहते हैं गुरु जी। तो ये सब एक अनुभव मिलता है गुरु शिष्य परंपरा में। अब आजकल के शिष्य जो हैं, एक तो थोड़ा जल्दी में है, उनको एक जल्दी भी होती है कि मैं जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना शुरू कर दूं और जल्दी से जल्दी हमारा सब कुछ हो जाए। तो हमें इस बात का बड़ा दुख होता है कि बहुत से टैलेंटेड विद्यार्थी जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो कुछ साल तक बहुत अच्छा चलते हैं और उसके बाद वो डाइवर्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि विनम्रता का साधना होता है। हमारे शास्त्रीय संगीत विधा में ही आप ये देखिए कि अपने गुरु का चरण छूने का अभी तक रिवाज जो है वो बाकी है। गुरु हमेशा टोंक टोंक के आपके अहंकार को दूर करता है, और जो बच्चे हृदय से जुड़ जाते हैं, जिनके अंदर से अहंकार मिट जाता है, उसमें सुर में प्रभु का कुछ न कुछ अंश आ जाता है। अब जैसे ख्याल, तराना, टप्पा, इसमें क्या क्या अंतर है ये भी समझना चाहिए। अब बनारस घराने के ख्याल में ध्रुपद का भी समावेश है,
इसलिए उसमें गमक और मीण इसका बहुत स्थान है। जैसे ए माय ए ध्रुपद के अंग हैं। और तराना में शब्द का बोल कैसे कहोगे, शब्दों को, और उसमें परकसन का अंदाज भी है। टप्पा जो है, अब एक भैरवी का टप्पा तुम लोग सीखो आज। सोना सो या रमिले रमिले, हाँ फिर से सोना सोना सोना। एक जगह है जैसे पापा बोल रहे हैं सोना सो, इसको जमजमा बोलते हैं सो सो। अरे फिर से सोना यार मिले, हाँ अब ठेके के साथ दा धीग दादा धीग दादा धीग दादा धीग दादा धीग दादा धीग सोना यार मिले सोना यार मिले सोना यार मिले सोना यार मिले सोना यार मिले। टप्पा की गायकी इसलिए गले में बैठाते थे कि खटका मुरकी जमजमा ये तीनों चीज गले में आ जाए। सोना सोना ये खटका, सो ये जमजमा, यार मिले सोना यार मिले सोना यार मिले हमारे गुरु पिताजी बोलते थे कि टप्पा गाओगे तो गला जो है चौराहा बन जाएगा, किधर भी जा सकते हो। तो इसलिए टप्पा तुम लोगों को सीखना और उसको गाना बहुत जरूरी है। बस करो, आज का यहीं समाप्त करते हैं, फिर शाम को बैठेंगे। फिर ये सिलसिला तो मैं समझता हूँ अस्तित्वगत है। ये अस्तित्व की ही मर्जी थी कि हम लोग दो भाई हुए और दोनों ही गाने में हमारे चाचा जी पिताजी ने हमें प्रोत्साहन दिया। और रितेश रजनीश भी दो भाई हुए। हम लोगों ने पिताजी से ही ये सीखा कि जब वो साथ में गाते हैं तो इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन विच इज़ हैपनिंग, बट मोर इट इज़ दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हम उनके संगीत को इन्जॉय करते हैं, वो हमारे संगीत को इन्जॉय करते हैं। और इसी में अगर कंपटीशन का भाव आ जाए, प्रतिस्पर्धा आ जाए कि मैं ज़्यादा गाऊँ वो कम गाएँ या वो ज़्यादा गाएँ मैं कम गाऊँ, इस तरह की भावना आएगी तो फिर वो बात वहाँ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए संगीत को एक टोटेलिटी में हम लोग इन्जॉय करने का कोशिश करते हैं। और जब भी स्टेज पर बैठते हैं, एक तरह से देखा जाए तो हर कार्यक्रम हमारा एक नया जीवन होता है। और ऐसा नहीं कि किसी को चांस नहीं मिल रहा, दोनों को बराबर से चांस मिलता है कि एक दूसरे को सुने और फिर हम गाएं। तो ऐसा ही कुछ हम लोग भी करते हैं। एक भाई और हैं स्वरांश, साजन जी का बेटा। तो मेरी तो इच्छा ये है कि
तीनों भाइयों को एक साथ बैठा के गाऊंगा, क्योंकि सामूहिक गान जो है वो प्रेम का प्रतीक है। जब भी कोई मुझसे पूछता था कि तुम करना क्या चाहते हो, तो मैं, मेरे मुंह से निकलता है म्यूजिक। तो कहते हैं, अरे म्यूजिक में क्या? मैंने कहा म्यूजिक, मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मैं संगीत के घर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संगीत करूँगा। तो कहते कि नहीं, मतलब क्लासिकल करोगे या बॉलीवुड करोगे? मैंने कहा मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। कान्हारे मुरली काहे ना तू बजाय रे, कान्हारे मुरली काहे ना तू बजाय। बिन सुनवे चिंटू भैया, भैया हाँ, अरे जरा एक मिनट इधर आएंगे प्लीज। तो बताओ, नहीं हम आपको गाना पड़ेगा ताकि मैं उसमें वो कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश करूँ। मतलब ऐसा, सॉरी। हाँ तो सिर्फ इतना करके देख लीजिए जरा। सारे राग का सत्यनाश मार दोगे? नहीं 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 नहीं, मैं चलो करो, कोशिश कर रहा हूँ उसको। ठीक है, थैंक्स भाई। पहले तो हमें, मतलब मैं अपने शादी के लिए तैयार नहीं था। हम लोगों के जब फेरे हो रहे थे तो पहले तो मैं, मतलब उनका पैर देख के मैं, मुझे तो डर लग गया कि बाप रे बाप, इतना बड़ा आदमी है। मतलब मुझे तो बहुत डर लग गया। मैं रोने लगी कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो बुखार आ गया। इनकी 19 साल में हुई, मेरी 22 साल में। मेरी बड़ी बेटी जो है साजन भैया से ब्याही हुई है। मैं तो दिल्ली में ही थी शुरू से ही, और साजन जी का और भैया का हमारे घर ऐसे आना जाना तो था ही,
और वैसे मेरा तो मेन एम था कि जैसे डांसर बनना है मुझे। लोग कहते थे कि जब ये हाथ बांध के खड़ी हो जाती हैं तो लगता है बिरजू महाराज खड़े हैं। कुछ मेरी दादी ने, कुछ मेरी मम्मी ने, सबने सोच के साजन जी को पसंद कर लिया और हमारी शादी हो गई। जो हम लोगों की मिसेज हैं वो भी एक म्यूजिशियन फैमिली से आई हुई है, तो बाय बर्थ उनको एक एक्सपोजर मिला हुआ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बड़े म्यूजिशियंस हैं, उनको ट्रैवलिंग में जाना है, तो थोड़ा वो यूज टू हो जाती हैं। टोटली हम दोनों पूरा घर संभालते थे, प्रोविजन से लेके राशन है तो ये है वो है सारा कुछ। उन लोगों का रोल ज़्यादा बड़ा बहुत था। बहुत बड़ा रोल, क्योंकि बच्चों को पालना पोसना उनका सब ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई कर लिए बस। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है, आज हम लोग उनकी बीवी हैं। हम लोग भी पूरा उनका ख्याल रखते हैं कि जब भी हम फ्री होते हैं दो दिन चार दिन के लिए, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए उनको कहीं घुमाने ले जाना, फिल्म देखने जाना, रेस्टोरेंट में जाना। और साल में हम लोग हॉलीडे, दो हॉलीडे तो हम लोग करते हैं फैमिली के साथ में, तो उससे सारा कुछ मैनेज हो जाता है। Now in just a short while we'll have a performance which I'm sure you all be looking forward to by Pandit Rajan and Pandit Sajan Mish, the well-known vocalists, two brothers who are singers in the Khayal style of Indian classical music. They've received their musical training from their grandfather, Bade Ramdas Ji Mish, and also their father, Hanuman Prasad Mish, and from their uncle, Sarangi Virtuoso Gopal Prasad Mish. And started performing while they were still in their teens. Their first concert abroad was in Sri Lanka in 1978, and soon they went on to perform in many countries across the world, including Germany, France, Switzerland, Austria, the USA, the UK, Singapore, Qatar, and Muscat, amongst others. They've been awarded the Padma Bhushan in 2007, the Sangeet Natak Academy Award jointly in 1998. Please welcome Pandit Rajan and Pandit Sajan Mish. They are part of a 300-year-old lineage of Khayal singing of the Banaras Gharana. हम लोग कभी सोच के नहीं जाते कि क्या गाना है। अब आज जैसे रितेश रजनीश ने कहा कि बिहार गा लीजिए, बिहार गाने लगे। हमारे ऑडियंस में से, हमारे श्रोताओं में से कई बार लोग आके और ग्रीन रूम में बोलते हैं कि पंडित जी कौशिक अन्हड़ा बहुत दिन से नहीं सुना है और मेरा मूड है पूरिया गाने का या दूसरा कोई राग गाने का, तो हम कौशिक अन्हड़ा में ट्यून कर लेते हैं। इवन स्टेज पर जाते जाते राग चेंज हो जाता है, क्योंकि वो चैलेंजिंग है। राग बिहार से हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज करीब 42-43 साल हो गया साथ गाते हुए, और उससे एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है ईश्वर की कृपा से, कि बहुत कुछ नहीं मूड होते हुए भी वो मूड बन जाता है। अब जैसे कि अभी भाई साहब ने बिहाग राग सोचा, हो सकता है कि हमारे मन में कोई और राग चलता हो, लेकिन चूंकि हमको इनके साथ में एक ऐसा सुकून मिल चुका है कि मैं अपने उस जो सोचे हुए मन को मैं डाइवर्ट कर लेता हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा सा हारमोनियम हल्का कम करिएगा, थोड़ा तबला भी और बढ़ाइएगा, और वो चैलेंज तभी पूरा हो सकता है जब आप राग को अपने से बड़ा समझिए। राग को आप अगर अपने से छोटा समझेंगे तो वो चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राग हमेशा आर्टिस्ट से बड़ा होता है। अभी बिहाग हम लोग गा रहे हैं, तो बिहाग जब हम शुरू करेंगे तो इसका प्रार्थना करेंगे बिहाग से कि गंधार लग जाए, निषाद लग जाए, मध्यम लग जाए। तो जब हम प्रार्थना करेंगे और उसको विनम्रता से प्रार्थना करेंगे तब वो लगेगा।
पल न जसोमत झूला जसोमत झूला पल न जसोमत झूला पल न जसो मती झूला में ललना पलना कुंवर कान्ह पे सोहे गहना जसो मती झूला में ललना पलना जसो मती झूला में कुंवर कान पे सोहे गहना जसोमती झूलावे ललना पलना झूलावे ललना। ये एक तो बचपन से हमें पिताजी ने सिखाया कि अपने संगीत का स्वयं आनंद लेना शुरू करो, क्योंकि संगीत अपने आप में ही डिवाइन है, ईश्वर की वाणी है। तो उनकी तालीम हमेशा हमेशा ऐसी रही कि संगीत उबाऊ नहीं हो, संगीत कर्णप्रिय हो, संगीत हृदय स्पर्शी हो, संगीत ऐसी व्यवस्था हो कि आदमी जो सुने उसको बात करने का मन नहीं करे। ये तारतम्य हमारे और साजन जी के बीच में मेरे ख्याल से इसलिए ज़्यादा अच्छा बन पाता है क्योंकि हम लोग प्रेम में हैं एक दूसरे के। जैसे कोई तान हमने गंधार पे ले जाके छोड़ दिया तो साजन जी उसको मध्यम से उठा लेंगे। ये एक स्पॉन्टेनियस इंतजाम है दिमाग में, ये कोई फिक्स नहीं है। कोई मैंने एक सपाट तान किया तो वो कोई चक्करदार तान कर दिए, तो इस तरह से वो मोनोटोनस नहीं हो के नया 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 फूल नए पत्ते उसमें जुड़ते जाते हैं और बगीचा में खुशबू फैलने लगता है। शुरू से बचपन से जैसे एक परछाई होती है ना, तो उस तरीके से मैं हूँ, इनके पीछे पीछे मैं शुरू से चलता आ रहा हूँ। तो ये भी बड़ा सौभाग्य का बात रहा कि वो सांगीतिक यात्रा हम लोगों की एक साथ की बनी। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे भाई मिले और जो कि हमारा इतना ख्याल रखते हैं,
अपने गुरु की तरह हमें मानते हैं और हम भी उनको दिल से बढ़ के प्यार करते हैं। तो ये प्रेम का ही संबंध है जो गाने में प्रदर्शित होता है। चूँकि हमसे बड़े हैं भैया, पिताजी से भी हमने थोड़ा सीखा, लेकिन ज़्यादा मेरी तालीम जो हुई, और वो भी सुन के आपको ताज्जुब होगा कि मेरी तालीम घर के बजाय स्टेज पे ज़्यादा होती है। और उसका कारण ये है कि पिताजी जब भी बचपन में हम लोगों को सिखाते थे तो भैया को सिखा रहे हैं, उस इन बिटवीन मैं भी एंटर करता था, तो बोलते थे सुनो पहले, समझो उसको, ध्यान बनाओ अपना। तो वो उस प्रक्रिया के तहत हमारी शिक्षा अभी तक चल रही है और चलती रहेगी। हम लोग संयुक्त परिवार में रहे शुरू से, हमारे पिताजी चाचा जी, और अभी तक भगवान की दया से हम लोग संयुक्त परिवार में हैं। अभी तक हमारा एक ही किचन है। और इसके पीछे हमारे पिताजी चाचा जी का विजन था कि हम दो भाई अगर इकट्ठे गाते हैं तो इकट्ठे रहेंगे। इससे प्रेम पैदा होता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। छोटपुट बातें तो घर में होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कभी भी कहीं से भी कोई सोच हमारे होशो हवास में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हम लोगों को कभी सेपरेट हो जाना चाहिए या ऐसा हो जाना चाहिए। ये संस्कार की बात है और बचपन से ही हम लोगों को मतलब इसमें आप स्ट्रिक्टनेस कह सकते हैं या जो भी तालीम, जिस तरीके से भी बचपन से हम लोगों को इतना तोड़ दिया जाता है, इतना मतलब पानी कर दिया जाता है कि हम उसके बारे में ना आज तक कभी ख्याल आया, और भविष्य में कृपा ऐसी रही तो आएगा भी नहीं और हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी ना आए। मुझे पर्सनली लगता है कि हम जॉइंट में रहते हुए भी हमारे पास इक्वली फ्रीडम है टू बी आवर ओन सेल्फ, एंड मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं कि बच्चों को तुम हमारे पास छोड़ दो, यू गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, तो वो कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई उस चीज़ की। एंड मोर ओवर वी बोथ आर फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिलीज, शायद हमने वो दादा दादी का प्यार नहीं देखा जो आज हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो दैट मैटर्स अ लॉट। तो बेसिक वैल्यूज़ वही है कि कुछ भी हो जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा, प्यार प्रेम जैसे भी रहना, सबको रहना साथ में। अच्छा, अब दीदी कैसे गाना गाती है जल्दी से? फोन तो दो, हाथ हिला के। और सुनील शेट्टी अंकल कैसे करते हैं? शिपू हटो। मेरी घर में दोस्ती बहुत है, और सबसे बढ़िया बेहतरीन दोस्ती है मेरे पिताजी से और बड़े पिताजी से। तो चाहे वो गर्लफ्रेंड की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, मतलब मैं कोई भी मुसीबत है या कुछ भी है, सबसे पहले उठा के मुंह वहीं पहुंच जाता हूं। हम लोग डेट पे भी जाते हैं, महीने में एक दिन मैं और पापा घूमने निकलते हैं, जिसमें मेरे साथ जितने हादसे हुए हैं या मेरे मन में जो भी खिचड़ियाँ पक रही हैं वो मैं उनके सामने कन्फेस करता हूं, या फिर वो मुझे कुछ बताते हैं अपनी पर्सनल बातें और डीपेस्ट पर्सनल बातें। क्योंकि हमारे पिताजी लोग, चाचा जी, पिताजी, वो इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों के साथ मतलब एक हम उनका संबंध है कि वो एक तरफ तो गुरु भी हैं, जब शिक्षा मिल रही है तो वो एक गुरु हैं, समटाइम्स दे आर डेफिनेटली स्ट्रिक्ट, लेकिन जब पिता हैं और एक परिवार के मुखिया हैं तो उस समय हम लोग के साथ उनका एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है। रामदास निठुर पिया, रामदास निठुर पिया, रामदास निठुर पिया, विनती न माने, विनती न माने, रामदास निठुर पिया, विनती न माने, रामदास निठुर पिया, विनती न माने। करछु मत गरवा लगावे, करछु मत गरवा लगावे, बतिया बनाई, बतिया बनाई, जमुना जल भरन नहीं मोहे दे दगना। ये सब ऐसे ही जगह में इस तरह की बंदिशें बन जाती हैं। बाकी इतना वाइब्रेशन है। पंडित राजन मिश्र एवं पंडित साजन मिश्र, शास्त्रीय गायन।
हम लोग बनारस से ट्रेन में ट्रेन का यात्रा कर रहे थे हम और ये दोनों, तो ट्रेन में सबका फ़ोन आने लगा कि भैया आप लोगों को बधाई हो। हमने कहा किस चीज़ का बधाई, हमारे बड़े भाई साहब जी का और काफ़ी लोगों का ऐसे, अरे उनको पद्म अचानक आने लगा। तो जब हम लोग बनारस आए या घर पे पहुँचे तो पता लगा कि पद्म भूषण मिला, तो हम लोगों को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि चलो हम लोगों का जो सोच जो अंदर था वो सही निकला और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग आपस में सभी लोग यहाँ घर पे इकट्ठा थे और जब सुना कि नहीं पद्म भूषण है, तो बल्कि एक बार ये भी मन में आया कि ये चीज़ इनको और पहले मिलना चाहिए था। और अब जो पद्म भूषण अब जो मिला वो पद्म विभूषण में कन्वर्ट होना चाहिए। नहीं, हमने तो ये मैंने खुद डिसीजन ये बना रखा था अपने मन में कि अगर सरकार अकेले किसी भी भाई को पद्म अवार्ड देता है तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो जो अंतर का जो एक मनोकामना कह लीजिए या ला ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए उसको, वो इतना स्ट्रांग था बॉन्डिंग कि हमें अगर दोनों को मिलेगा तभी हम स्वीकार करेंगे, और अगर एक भाई को देते तो चाहे वो भारत रत्न भी देते तो हम नहीं लेते। कला जगत में हम लोगों को हर कलाकार प्यार करता है और हम लोग भी सभी कलाकारों को बहुत ही प्यार और श्रद्धा जो हमारे बड़े हैं उनके लिए हृदय में रहता है और सभी का स्नेह बना हुआ है, सभी प्यार करते हैं, चाहे वो छोटे कलाकार हों चाहे बड़े कलाकार हों। वो बोलते हैं कि आप लोग ईमानदारी का गाना गाते हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा भारत रत्न है। तीन ताल आता है ना तुमको, ऐसे धा, ऐसे रखो हाथ, ऐसे करो, ऐसे इधर हमारे तरफ देखो, धा दिन दिन धा दिन दिन धा, इधर हमारे तरफ देखो और कहीं नहीं देखना है, समझ गए? हमको देख के धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता दिन दिन धा, आया समझ? अब चलो हमारे साथ, धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन दा। हाँ वाह भाई, ये क्या है जानते हो? सुरमंडल है ना, ये सुरमंडल हमारा पहला सुरमंडल है और चाचा जी ने स्पेशली बनवा के हमको दिया था। ये सुरमंडल उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का जो सुरमंडल बनाते थे उनके हाथ का बना हुआ है, तो इसकी साउंड मुझे बहुत पसंद है और इतना पुराना है ये, करीब 42-43 साल पुराना सुरमंडल है। अतीत में लौटने का प्रयास प्रारंभ करता हूँ। वाराणसी के कबीर चौरा मोहल्ले में 29 अक्टूबर 1951 को प्रातः 4:40 पर मैं पैदा हुआ, जो मुझे बताया गया। उसी दिन छोटी दीपावली व श्री हनुमान जयंती भी था। कबीर चौरा स्थित मेरे पुस्तैनी मकान सी 22/86 में छटंकी दाई ने मुझे मेरी माँ की कोख में से बाहर निकाला। मेरे रोने की आवाज़ सुनते ही सारा परिवार हंसने लगा और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण फैल गया। उत्सव और खुशी का कारण यह था कि पुत्र की नितांत आवश्यकता थी और मैं आ ही गया। मेरे से करीब 9 वर्ष बड़ी बहन इंदु परिवार में थी। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि हमारे बहुत छोटे भाई हैं, राजन जी हमसे 9 साल के छोटे हैं। जब ये छोटे थे तब खेलने के लिए जाते थे DAB में, हम जाके बुला के ले आते थे उनको पकड़ के कि चलो बुला रही हैं दादी। फिर पढ़ने जाने लगे राजन जी तो इसी कॉलेज में ही पढ़े हैं ये DAB में। सुबह तो नाश्ता करके चले जाते थे, दोपहर में दादी हमारी जाके वहाँ पेड़ के नीचे बैठती थी, इनको बुला के खाना खिला के तब मुँह हाथ धुला के बैठा के तब आती थी वो।
इतना मतलब घर के प्यारे बच्चे थे, इतने दिन के बाद हुए थे तो सभी का लाड प्यार था इनके साथ। साजन जी से भी मेरे तो बच्चे ऐसे थे, वो तो मतलब हमसे तो 14 साल के वो छोटे हैं, तो मेरे तो बच्चे ऐसे हो गए। राजन साजन को जब बाबूजी नीचे सिखाते थे, वो सुन सुन के हम खाना बनाते थे, हमको पूरा गाना याद हो जाता था। जब ये लोग गाते थे, जैसे लाइन भूल गए तो आके हमसे पूछते थे, दीदी इकर लाइन कैसे हो, तो हम उनको बताते थे। मतलब इतना हमको संगीत से लगाव है। अपने मिट्टी में पहुंच गए। अरे जियो, क्या हाल है? जन्माष्टमी में पिताजी सजाते थे। अभी भी सस्ता, अभी सस्ता है, हम लोग भी सजाते ही हैं, सस्ता ही है। इसी घर में हमारा जन्म हुआ, यही बचपन बीता, ये आंगन में खेलते थे हम लोग, और इसी बैठक में गाना भी होता था और हमारा और साजन भाई का मल युद्ध भी होता था। वो बड़ा मज़ेदार दिन थे, और चूंकि भैया हमसे बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब शुरू से हम लोग बड़ा फ्रेंडली रहे हैं, तो बहुत मज़ा हमने किए, बहुत सारे खेल खेलते थे हम लोग घर में आपस में। और इनको फिल्म का बहुत शौक़ था, तो ये फिल्म देख के आते थे और फिर हमको सुनाते थे स्टोरी, फिर हम लोग वो सब बदमाशियाँ किया करते थे। तो एक बार वो शम्मी कपूर की फिल्म देख के आए थे, तो उसमें वो बर्फ़ पे शम्मी कपूर जी फिसलते हैं ऊपर से याहू बोल के, तो अब पहाड़ कैसे बनाया जाए, तो हम लोगों ने वो तखत पे पाउडर उडर डाल के पूरा पॉन्ड्स का बड़ा वाला पाउडर डिब्बा पूरा टेलकम उसमें छिड़क के वाइट डाल के कि बर्फ का इफेक्ट आए, इफेक्ट आवे। और हम लोग ऊपर ऐसे पकड़ के, कड़ी पकड़ के उसके ऊपर चढ़ के और वहां से स्केट कर रहे हैं, तो 2-3 बार तो ठीक ठाक हो गया, तीसरे बार इनको लग गया चोट। बड़ा डांट सुना हमने कि छोटे भाई का ध्यान नहीं रखते हो, उसको गिरा देते हो, मार देते हो। इंट्रोड्यूस करता हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं सुधीर भैया, और करीब करीब 40 वर्षों से हम लोग इनके यहाँ अड्डेबाजी करते रहे हैं, अभी भी करते हैं, वर्षों से हम लोग तो जैसे एक कहावत है ना, लंगोटिया यार, उस तरह के हैं। तो हम लोग तो साथ साथ में रहे हैं, कितना फिल्म देखे हैं, क्या क्या किए हैं, मारपीट भी किए हैं। देखने का जो कार्यक्रम होता रहा, अरे साइकिल पे क्या हुआ, एक नया साइकिल खड़ा था लौरावीर पे, उस समय हम लोग का लौरावीर पे अड्डा था, तो एक हमारे मित्र आए राम कृष्णा, तो वो आके इनसे पूछे कि यार जरा साइकिल ले जाऊं, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ ले जाओ, जबकि वो दूसरे किसी का साइकिल था। मारपीट का नौबत आ गया, तब जाके हम लोग बचाए। जीवन को बहुत ही सहजता से हम लोग जिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का बात रहा। और कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में भी हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। हम लोग का अपना क्लास का टाइमिंग जो था वो तो चलता ही था, लेकिन उसके साथ साथ फ्री पीरियड जब होता था तो उस कमरे में हम लोग काबिज हो जाते थे, सारे 10-12 दोस्त यार सब, और वहाँ पे टेबल बजा के गाना शुरू, खूब फिल्मी गाने जो है, कोई मुकेश को गा रहा है, कोई किशोर कुमार को गा रहा है, कोई किसको गा रहा है,
और टेबल पे जो है रिदम चल रहा है। दिल पुकारे आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। यहाँ ये बैडमिंटन कोर्ट में हम लोग दिन भर लगे रहते थे, आठ आठ दस दस गेम होता था, उस समय क्या स्टेमिना होता था। मिट्टी में जितना बच्चा खेलेगा उतना वो मजबूत होता है, तो वो सब भी मस्ती किए हुए हैं। और आज भी जाते हैं बनारस तो कभी फ्रेंड्स लोग मिल गए तो चलो भैया क्रिकेट खेल लेते हैं। हमारे जमाने में अरुण और तरुण दो भाई थे, दोनों जुड़वे थे, तो एक भाई का बॉलिंग अच्छा था, एक भाई का बैटिंग अच्छा था। तो कभी हम लोग बाहर मैच खेलने जाते थे तो अरुण जब आउट होके आता था तो टू डाउन फिर उसको भेज देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। ये इस ज़मीन पे हम लोगों का बचपन बीता है। निकला है गिर गिर के और इसकी मिट्टी अंदर घुसी हुई है। बीएचयू में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर एस के श्रीवास्तव, वो भी बहुत संगीत के प्रेमी थे, तो उनका भी कभी कभी मन हो तो क्लासरूम बंद करके बोलते थे कि आज पढ़ाई नहीं, आज मिश्रा का गाना होगा। स्थान है बनारस खुद अपने में, जहाँ गंगा मैया हैं और बाबा विश्वनाथ जी हैं, और वहाँ उस मिट्टी के अंदर संगीत का इतना अच्छा सुंदर प्रचार हुआ, प्रसार हुआ उसका, कि एक से एक बढ़ के गुरु लोग वहाँ हुए। हर घर में जहाँ भी आप गुजरेंगे ज़रा से दूर में कुछ ना कुछ सुनाई पड़ेगा, सारंगी सुनाई पड़ेगी, सितार सुनाई पड़ेगा, गायन सुनाई पड़ेगा। इस प्रकार से वहाँ पूरे तरह से संगीत का एक ये कहना चाहिए संगीत की सुंदर चादर
पूरा वाराणसी रहा। बनारस घराने की विशेषता तो इतनी है कि घंटों इस पे बात हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बनारस घराना ही एकमात्र ऐसा घराना है जिसमें ध्रुपद, धमार, तिरवट, चतुरंग, ख्याल, टप्पा, टप ख्याल, टप तराना, उसके बाद ठुमरी, कजरी, चैती, इतनी बड़ी परंपरा है। तो इतने बड़े कैनवस को जब एक जगह समेटा जाएगा तो वो मल्टी डायमेंशनल गाना हो जाता है, जिसमें ध्रुपद धमार का मीड भी आता है, गमक भी आता है और ठुमरी की नजाकत भी आती है। तो जब ये पहलू गाने में शामिल हो जाता है तो वो गाना, उसको हम लोग एक सांगीतिक भाषा है चारोपट, तो बनारस घराने का जो गाना था वो चारोपट का गाना था। बनारस की मस्ती जो है वो पूरे विश्व में ऐसी मस्ती नहीं है, और इस मस्ती का सबसे बड़ा राज है सहजता। इस मस्ती का राज जो है सहज होना। यहाँ की जो परंपरा थी वो संगीत को सुनने की नहीं थी, संगीत को पीने की थी। संगीत पिया जा सकता है, वो बनारस में ही देखने को मिला हम लोगों के बचपन में। रात रात भर एक से एक बड़े बड़े बुजुर्गों का गाना बजाना होता रहा है, और यहाँ के श्रोता जैसे फूल का रस मधुमक्खी लेती है, वैसे यहाँ के श्रोता थे वो जो फूल का संगीत का रस लेते थे। और जब हम लोग बनारस आते हैं तो पूरे दुनिया का दुख दर्द सब मिट जाता है, यहाँ के मस्ती में खो जाते हैं। अच्छा देखिए, बनारस पे याद आ गया, अरे काशी के बसैया है, अरे काशी के बसैया पर काशी के खैया नाथ, भंग के छनैया और गंग के धरैया तुम भोलेनाथ है ना। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया, भंग के छलैया, भंग के छलैया, भंग के छलैया, गंग के धरैया, भंग के छलैया, गंग के धरैया तुम भोलेनाथ। काशी के बसैया पर काशी के खेवैया ना, भंग के छलैया और गंग के धरैया तुम भोलेनाथ, भोलेनाथ। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया, हर हर महादेव। 1973 में जब भैया पास आउट हुए, और इनका वैसे शुरू से हमारे जहाँ तक नॉलेज में इनका मन भी था कि मैं इसको आध्यात्मिक ढंग से संगीत को लूँगा और जहाँ अच्छे कॉन्सर्ट्स होंगे वहीं गाऊँगा, लेकिन हम इसको प्रोफेशन नहीं बनाएंगे। तो इसके नाते इन्होंने एक ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग के दौरान ही सद्गुरु जगजीत सिंह जी महाराज जी से मुलाकात हुई, और उनको जब ये पता लगा कि एक बहुत उभरता हुआ सितारा कलाकार, और वो कपड़े के फैक्ट्री में ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम आप छोड़ दो मेरे कहने से। और वो एक इतने बड़े सद्गुरु का आदेश था,
कि राजन भैया ने बिना सोचे समझे उस स्टेप को उठाया और उसका नतीजा ये है कि हम लोग आज इस स्तर तक पहुँचे हैं। सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज नामधारी सेक्ट के जो गुरु हैं उन वो भी बहुत ही गुणी संगीतकार हैं, तो ये बंदिश वो सुना रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों को अच्छा लगा तो उनसे ये बंदिश प्राप्त हुआ। करम कर जब करम कर जब करम कर जब कर जब कर करम कर जब सब गमक देखिए कैसे इसमें यूज किया गया है। करम कर जब करम कर जब करम कर जब करम कर जब सब बनला मूर्ति का अंग है अब उसी बंदिश में करीब 35-40 वर्षों से ओशो को पढ़ रहा हूँ और ओशो ने सबसे पहला तो काम ये किया कि हर कदम पे हमारे अहंकार को काटा। वो हमें अपनी ज़मीन दिखाते रहे कि तुम कहाँ हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हर दो चीज़ मिल के एक चीज़ होता है, जैसे रात और दिन, सुख और दुख, सौंदर्य कुरूपता, क्योंकि जब तक वो अपोजिट चीज़ नहीं होगा वो पूर्ण नहीं होता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने एक सवाल पूछा, सुर का अपोजिट क्या है? और ये सवाल हमने बहुत से संगीत विद्यार्थियों से भी पूछा और संगीत कलाकारों से भी पूछा। उन्होंने सीधा ही जवाब दिया, सुर का अपोजिट बेसुर, सुर का अपोजिट बेसुरा। लेकिन उत्तर ये नहीं है, उत्तर उसने दिया, सुर का अपोजिट मौन, क्योंकि मौन और सुर मिलके ही संगीत बनता है। तो हमारे संगीत में बीच बीच में आप मौन का जो आभास आपको होता है, जिसको हम पॉज कहते हैं, वो पॉज आने से संगीत बनता जाता है। और एक सुरा अगर संगीत हम सुनाते रहें बिल्कुल विदाउट ब्रेक, विदाउट रुके हुए,
तो वो दिमाग को ठीक लगेगा कि बहुत तैयार गा रहे हैं या बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल को नहीं छुएगा। अब एक बनारस घराने की बंदिश, बहुत प्राचीन बंदिश, आदि सुरता अनंत है, आदि काल से चला आ रहा है, बंदिश यही कह रहा है। आदि सुर आदि सुर आदि सुर परिवार से, जो कि नेपाल दरबार के राजगुरु थे पंडित नानक प्रसाद मिश्र जी, उनकी पोती थी, वो ग्रैंड डॉटर थी। तो माता जी के भी हृदय में संगीत इतना था, चूँकि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं रही कि और लड़कियाँ औरतें भी संगीत सीखें, लेकिन चूँकि घर में संगीत होता था तो उन लोगों के अंदर में संगीत व्याप्त था। हमारी माँ बहुत अच्छा ठेका लगा लेती थी तबले बाएँ पे, ढोलक बहुत अच्छा बजाती थी और गाती भी बहुत अच्छा थी, और पचासों बंदिशें उनको याद। तो हम दोनों भाइयों को वो अपने अगल बगल सुलाती थी, और सुबह कबीरदास जी के मंदिर में सुबह ठीक 5 बजे 5 का बेल होता था, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उस पर वो उठा देती थी और हम लोगों को बोलती थी गाओ। तो हम लोग भी अलसाए मन से उसको, मोहन जागो भोर भैलवा, मोहन जागो भोर भैलवा, मोहन जागो भोर भैलवा, मोहन जागो भोर के जीवन में बहुत बड़ा एक रोल निभाया आकाशवाणी का। और उस जमाने में आकाशवाणी ही एक ऐसी संस्था थी कि वहीं से कलाकार का परिचय बढ़ता था, प्रसार बढ़ता था। तो हम लोगों का कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम हुआ
और वही प्रोग्राम सुन के पंडित भीमसेन जोशी हम लोगों को सवाई में बुलाए 75 में, और हमें वो क्षण याद है क्योंकि हम लोग तानपुरा को लेके बहुत ही कॉन्शस रहते हैं, बहुत ही अलर्ट रहते हैं कि तानपुरा प्रॉपर मिला होना चाहिए। तो हम लोग गा रहे थे और जो पीछे तानपुरा बजा रहे थे तो एक तो बहुत ही अच्छा बजा रहे थे, दूसरे जो थे वो प्रॉपर नहीं छेड़ रहे थे, तो जिसकी वजह से तानपुरा बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं बार बार अपनी तरफ वाले को घूम के उसको ट्यून कर रहा था, तो ये पंडित जी सामने बैठे हुए देख रहे थे। वो ऑडियंस में से उठ कर आए और मेरे पीछे खड़े हो गए, तानपुरा पकड़ लिए और मराठी में उस शख्स से उन्होंने कहा कि दूसरे आदमी को भेजो। फिर उन्होंने अपने हाथ से ट्यून किया, हमने कहा अरे पंडित जी मैं देखता हूँ, बोले नहीं नहीं आप गाते रहो। और वो तानपुरा मिला के खड़े हो के हमारे पीछे, हम समझते हैं कम से कम 10 मिनट उन्होंने हमारे साथ तानपुरा बजाया। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था, लेकिन उनका बड़कपन देखिए, उनका सोच देखिए कि गाना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब तक वो दूसरा शख्स उनका स्टूडेंट खोज के आया तब तक वो हमारे साथ उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। राग नट भैरव से हम लोग अपना कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों के जीवन का जो बड़ा प्रोग्राम है वो 67 में संकट मोचन मंदिर जो कि बनारस में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो तुलसीदास जी द्वारा स्थापित मंदिर है, तो वहाँ हम लोगों का कार्यक्रम है। चलो देखिए कहा जाता है कि जो दो भाई होते हैं वो अगर मित्रवत रहें तो उनके जैसा प्रेम कहीं नहीं हो सकता है, और अगर शत्रुवत रहें तो उनके जैसा शत्रु भी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर बचपन से हम लोग एक साथ रहे और अपने चाचा पिताजी की अनुशासन को देखते रहे, मतभेद होता है, मतभेद तो होता रहा, आगे भी होता रहेगा, लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये है कि जो प्रेम की धारा बह रही है अगर आप प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे।
तुम फूल किसी के लिए बोओगे तो तुम फूल ही काटोगे, और अगर तुम कांटा बोओगे तो कांटा ही काटोगे। और हम तो भाई हैं, हम लोग तो अपना पूरा जीवन साथ में बिताए हैं, आनंद बरस रहा है, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर जगह भैया ये गाते हैं, कहाँ करो लेके गाते हैं, कौन सा कहाँ करो, देखो देखो गाड़ी दे दे। ये गाया था हमने पुणे में, और जब मैंने एक बार ऐसे किया तो कई लोग जो है थोड़ा हंसने लगे, तो हमने कहा कि ये हंसने की बात नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि एक गाने वाला कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो तो है ही एक नृत्यकार को कैसे देख रहा है। अब इसमें जो है, अरे काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे, अब ऐसे हाथ आया तो जब अंदर हाथ जब वो चलेगा तभी हाथ ऐसे आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता। अरे काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारे देत कन्हाई रे। काह करो देखो गारी दे दे कन्हाई रे, काह करो देखो गारी दे दे कन्हाई रे, मैं तो लाखन बार समझाई, 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 काहे करूं देखो गारी दे दे कन्हाई रे, काहे करूं देखो गारी दे दे कन्हाई रे, काहे करूं काहे करूं देखो गारी दे दे देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे, देत कन्हाई मटुकी पकड़ मोरी झटकी पटकी, 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 बिंदा कहाँ सागरी लोगन में मोरी पत कमाई रे, का करूं देखो गारी दे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो स्ट्रगल करके जीवन को हम लोगों ने प्राप्त किया है तो उसका सुख का अनुभव तो होता ही है। बहुत ही स्ट्रगल किए हम लोग दोनों भाई, और कोई हम लोगों के ऊपर किसी का ऐसा वो गॉडफादर जैसा कोई नहीं था। तो चूंकि पिताजी चाचा जी ये कहते थे कि बेटा इंडिपेंडेंट रहो,
कोई तुम्हारे लिए ऐसा नहीं हो कि कोई कल को कहे कि हमारी वजह से। तो अपना प्रयत्न जो है वो रखे रहो और अपना मेहनत पे विश्वास रखो। जिस दिन तुम्हारे मेहनत में वो खुशबू आ जाएगा उस दिन स्वतः तुमको लोग बुलाएंगे। तो उस भरोसे और बाबा विश्वनाथ और अपने गुरुओं के वचन के भरोसे हम लोग यात्रा अपनी शुरू की है। दिल्ली में नए नए आए थे, आज हम लोग 40 साल तो दिल्ली में रहते हुए हो गया है, 39-40 साल, और ईश्वर की दया से अभी हम लोग यात्रा में ही हैं। कहते हैं संगीत या स्वर या ताल ख़त्म नहीं होता है, शरीर बदल जाते हैं, लेकिन शरीर दूसरे रूप में जब आते हैं तो फिर से वही रंग पकड़ने लगते हैं। वही आनंद आज मुझे राजन भैया साजन भैया के अंदर मिलता है कि वो स्वर के साथ लगाओ, वो ईश्वर का ध्यान और गायन के अंदर पूरी नाद का जो एक स्वरूप है वो इन लोगों की आवाज़ में सुनाई पड़ने लगा। बड़ी खुशी होती है जब इनकी आवाज़ों को सुनता हूँ। ये बिल्कुल लीन है, प्रभु की कृपा है, स्वर के लिए इनका प्यार जो बना हुआ है ईश्वर करे ऐसे ही बना रहे। सन 1951 से 2011 यह मेरे जीवन के 60 वर्ष और करीब 50 वर्षों से जीवन की सांगीतिक यात्रा है। 43 वर्ष पूर्व बनारस के संकट मोचन मंदिर की बड़ी सभा से मेरी और साजन भाई की युगल संगीत की यात्रा आरंभ हुई। मैं जब अपने 60 वर्षों के जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि संगीत ही मेरे जीवन का सबसे प्रमुख प्रेम स्रोत रहा है। इन 43 वर्षों में हम दोनों को बहुत खट्टे मीठे और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा और ईश्वर की कृपा से उस कठिनाई को झेलते हुए जीवन में जो भी सफलता मिली वह सब हमारे गुरुजनों के चरणों में समर्पित है। आज हम जहाँ भी हैं उसमें हमारे गुरुजन, परिवार के सदस्य, प्रिय मित्रों और प्यारे शुभचिंतकों का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की नज़रों में हमने बहुत नाम, यश, पैसा कमाया, पर सोचता हूँ सिर्फ नाम, पैसा, पद, यह सब तो मौत सबसे छीन लेती है, परंतु नहीं छीन पाती है तो वह हमारा चैतन्य। हम तो परम धन्य भागी हैं जो हमें लोगों का प्यार और आशीष अकूत मात्रा में मिला है, और मेरी समझ में वही हमारे जीवन की कमाई है। संगीत की अमृत धारा तो हजारों वर्षों से अनंत सागर की तरह बह रही है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह संगीत पर विजय प्राप्त कर लिया है। हम नहीं थे तब भी और नहीं रहेंगे तब भी यह अमृत धारा अखंड बहती ही रहेगी। आज 60 वर्ष की उम्र में अभिलाषा जागृत होती है कि सीखने की उम्र तो अब शुरू हुई है। हर राग, हर कार्यक्रम हमें यही सिखाता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। आज हम दोनों भाई परमात्मा से यही निवेदन करते हैं कि जो प्रभु प्रसाद हमें दिया है वो हमारे आने वाली पीढ़ी उसी प्रार्थना भाव से इस परंपरा को आगे ले जाए। नाद को न भेद पायो, नाद न भेद पायो, नाद न भेद पायो, नाद
जो पायो जो पायो सकल जगत में वही गुनी कहायो माने को न भेद पायो नाय नाद को नाद को न भेद पायो न भेद पायो नाद को न भेद पायो नाद को न भेद पायो नाद को Ah,